हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्मियन क्लासेस एंड आई एम शुभम सिंह। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, किसी ब्लॉक का बेंच पे रखे हुए, ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए और प्लैंक का। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्लैंक या बीडी बनाते हैं किसी हिंज पे। हिंज मीन्स कब्जा जो होता है, आप लोग दरवाजे के पास देखते होंगे जो कब्जा होता है, खिड़की होती है, दरवाजे होते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि वो एकदम कोने पे कब्जा होता है, हिंज। अगर मान लीजिए आपका प्लैंक उस हिंज पे रखा हुआ है, उस कोने पे रखा हुआ है, तो इसकी आप बीडी कैसी बनेगी? लेट इट बी अ सरफेस। और हम लोग का हिंज कुछ हम लोग का कुछ प्लैंक ऐसे रखा हुआ है, ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, कुछ इसके पास मास होगा एम यहाँ पे। तो अब आप बताइए कि इसका क्या कहते हैं, बीडी कैसे बनेगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था प्लैंक कुछ ऐसे था, समथिंग ऐसे प्लैंक था। यहाँ पे दो पॉइंट पे वो मिल रहा था और एक नॉर्मल हम लोग का ऐसे लग रहा था, एक नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की लग रहा था। तो आज हम लोग इसका देखते हैं। ये हम लोगों ने प्लैंक लिया जो कि टिल्टेड है, टू पॉइंट्स ऑफ जॉइंट है, एक इस सरफेस पे जॉइंट यहाँ पे हो रहा है, इस सरफेस पे यहाँ पे हो रहा है। तो इसका नॉर्मल तो आप देख रहे होंगे, सरफेस यहाँ पे है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल आपने यहाँ पे लगा दिया एन वन। मास एम जी है तो आपको पता है कि एक फोर्स है जो क्या कहते हैं हमेशा लग रहा होता है किसी भी मास पे, और वो होता है एम जी जो कि लगता है हमेशा डाउनवर्ड्स। अब बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो आप लोग बताइए इस पॉइंट पे नॉर्मल किधर लगना चाहिए। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा, अगर आप लोग देखें तो कुछ ऐसा है। और इसका अगर एक पॉइंट पे देखेंगे हम लोग, एक इंसिडेंट पे, यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे जाएगा, इसका परपेंडिकुलर ऐसे तो जाएगा नहीं ना, इसका परपेंडिकुलर इस साइड को जाएगा, अप साइड को, इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे क्यों जा रहा होगा, मीन्स कुछ एंगल पे कुछ ऐसे। तो ये नॉर्मल एग्जर्ट करेगा इधर की ओर, समथिंग एंट्री। तो ये बन गया आपका बी डी, अगर क्या कहते हैं आपका प्लैंक किसी हिंज के पास ऐसे रखा हुआ है, सम एंगल थीटा पे क्या होगा, टिल्टेड। नोट कर लीजिए। अब बात हो गई है हम लोग की हिंज की, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग कोई स्फेयर पे अगर प्लैंक रखा हुआ है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी कैसे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कोई सरफेस है लाइक दिस और इस पे रखा हुआ है स्फेयर कुछ ऐसा, मास एम मान लेते हैं, और इस पे है एक प्लैंक कुछ ऐसे है। ठीक है, और इसका मास क्या है, सम एम वन मान लेते हैं। तो आप इसका बताइए इसका मास फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएगा। तो हमने इसको ए मान लेते हैं और इस स्फीयर को भी मान लेते हैं। पहले हम लोग ए का बनाते हैं, ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ए प्लैंक का। हम लोगों ने प्लैंक को रखा यहाँ पे, ओके, कुछ ऐसे, ऐसे हम लोगों ने प्लैंक को रखा है और इसका मास m1 है। तो सबसे पहले एक जो फोर्स लग रहा होता है
जो कि एकदम डाउनवर्ड्स लग रहा होता है, वो होता है क्या, M1, M1 लग रहा होता है, और इंटू जी जो कि है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हम लोग का एक पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है प्लैंक का, किसी एक पॉइंट पे हो रहा होगा, किसी एक पॉइंट पे हो रहा होगा ना, ना बताओ। और ये पॉइंट का परपेंडिकुलर इस किधर की हो जा रहा होगा, ये कुछ प्लैंक ऐसे है और ये सरफेस स्फेयर है। अगर स्फेयर हम लोग का कैसे बनता है, खूब सारे टेंजेंट से मिलकर हम लोग का स्फेयर बनता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट कुछ ऐसे जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है। तो अगर हम लोग एक पॉइंट पे देखें जहाँ पे ये प्लैंक रखा होगा, वहां पे तो टेंजेंट इधर की ओर जा रहा होगा, और उसके परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा होगा, उसके परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, नॉर्मल इधर की ओर आ रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। सेम अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसे जा रहा होगा, और ये प्लैंक रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर हम लोग का नॉर्मल रिएक्शन बनना चाहिए, तो कुछ ऐसे जा रहा होगा। तो हम लोग का यहाँ से एक क्या बन जाएगा, स्फेयर के अलोंग, मान लीजिए यहाँ पे आपका स्फेयर है, तो ये बन गया आपका नॉर्मल N1, ठीक है। अब एक क्या कहते हैं, एक सरफेस क्या है यहाँ पे है, इसे परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बन रहा होगा रिएक्शन, वो बन गया समथिंग यहाँ पे N, ठीक है। अब हम लोग स्फेयर की बात करते हैं, ये आपका क्या स्फेयर जिसका मास क्या है M, इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, Mg बनेगा, ग्रेविटेशनल, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर क्या है, ये स्फेयर कहाँ पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, इसके थ्रू क्या हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल समथिंग N2। अब नॉर्मल बन गया, Mg बन गया, अब क्या कहते हैं इसका इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि दो सरफेस थे, एक स्फेयर था और एक प्लैंक था, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा डाउन नीचे की, उसके अपोजिट सेम N1, तो वो N1 लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो N1 यहाँ से नहीं लगेगा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जहाँ पे भी स्फेयर हो इन थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया था तो वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है, इसको एडिट करके जोड़ूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मल रिएक्शन तक की बात हो गई थी, और Mg नीचे लग रहा था स्फेयर में, लेकिन एक पॉइंट जो हम लोग नोट करना भूल गए थे, स्फेयर की खासियत होती है कि अगर स्फेयर में जब आप FBD बना रहे होते हैं तो उसमें होता है कि इन स्फेयर जो भी नॉर्मल लग रहा होता है, नॉर्मल जैसे प्लैंक हमारा कुछ ऐसे रखा हुआ था, तो जो हम लोग का नॉर्मल लगेगा यहाँ से नहीं लग के, वो कहाँ लगेगा, सेंटर से लगेगा N1, ठीक है। तो इन स्फेयर पॉइंट नोट कर लेगा, इन स्फेयर द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी एग्जर्टेड थ्रू सेंटर, सेंटर से वो एग्जर्ट होगा, ओके, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद कल हम लोग पढ़ते हैं टेंशन के बारे में, टेंशन बेसिकली क्या होता है, टेंशन बेसिकली होता है, मान लीजिए कोई सरफेस है, आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये मास m लगा हुआ है, इसका डाउनवर्ड्स में फोर्स Mg लग रहा होगा, तो इसको अपोज करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, जो स्ट्रिंग पे लग रहा होगा, वही होता है क्या, टेंशन, ठीक है। तो कल हम लोग टेंशन की बात करेंगे, उससे पहले आप टेंशन की स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग आइडियल स्ट्रिंग पे ही कल काम करेंगे, और आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं देखिए, आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारी आइडियल स्ट्रिंग होगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो मासलेस होगी, ठीक है, उसमें कोई मास नहीं होगा, हम लोग जो भी जिस भी सिस्टम की बात करेंगे उसमें जो स्ट्रिंग यूज हो रही होंगी वो हमेशा मासलेस हो रही होंगी, बिकॉज हम लोग क्या आइडियल लेके चलेंगे, प्रैक्टिकल लेके नहीं चलेंगे। इनएक्सटेंसिबल होगी, क्या होगी,
इन एक्सटेंसिबल, मतलब कि उसका लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है, कांस्टेंट लेंथ की होगी। और थर्ड क्या होगा, वो होगा मासलेस होगा, इन एक्सटेंसिबल होगा, और क्या होगा हम लोग का जो स्ट्रिंग होगी वो, मतलब उसका सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा, मतलब कि फ्रिक्शन उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कोई नहीं लग रहा होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और फिर कल हम लोग बात करते हैं आगे, ओके।